सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके 2020 के नए सत्र में। ये क्लास हिंदी मीडियम क्लास 9th के लिए है और जो हमारा पहला चैप्टर है वो है हमारा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का मतलब है कि हम नंबर्स के बारे में सीखेंगे। हम जब मैथ्स पढ़ने वाले हैं 9th क्लास की, 9th और 10th की, तो थोड़ा हाई लेवल आ जाता है, तो उसके लिए आपको कैसे संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहली संख्या होती है प्राकृत संख्याएं, ठीक है। जब हमारी गिनती हम एक से चालू करते हैं तो प्राकृत संख्या कहलाती है। अगर हम उसी गिनती को जीरो से स्टार्ट करते हैं तो कहलाती है पूर्ण संख्या, पूर्ण, ठीक है। तो इन दोनों का सिर्फ इतना है, इन दोनों की परिभाषा है तो हमें पता होनी चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ पता नहीं होना चाहिए कि ये तो 1 से चालू होती है और ये 0 से स्टार्ट होती है। उसके बाद आती है बात पूर्णांक की। पूर्णांक और परिमेय संख्या, ये दो ऐसी चीज़ें जो आपके काम आएगी अभी भी, टेंथ में भी और आगे लाइफ में जब भी आप मैथ्स पढ़ेंगे। तो देखिए पूर्णांक क्या होते हैं, सारे नंबर्स पूर्णांक होते हैं, माइनस और प्लस वाले और ज़ीरो भी, मतलब माइनस से लेकर फिर प्लस के जितने भी अनंत तक जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे क्या होते हैं यहाँ पर, पूर्णांक, ठीक है। तो अब परिमेय संख्या की बात करते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, इसकी परिभाषा होती है जो पी बटा क्यू के रूप में हो और जहाँ पर क्यू ज़ीरो ना हो, और पी और क्यू दोनों किस क्या हो, पूर्णांक। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है आपको, तो मैं बता दूँ पूर्णांक एक्चुअली में 9th क्लास और 10th क्लास में जब भी आप ये संख्या वर्ड यूज़ करेंगे, जैसे अपन बोलते हैं मैं दो संख्याओं को जोड़ रहा हूँ, मैं दो नंबर्स को जोड़ रहा हूँ, तो हम नंबर्स नहीं बोलेंगे, संख्या नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे मैं दो पूर्णांकों को जोड़ रहा हूँ, बस यहाँ पर इतनी सी बात है। मतलब नंबरों को हम आप पूर्णांक के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब देखिए दो पूर्णांक है, अगर मैं एक पूर्णांक ऊपर लिखता हूँ और एक पूर्णांक नीचे लिखता हूँ तो वो मिलकर क्या बनाते हैं, परिमेय संख्या। उदाहरण के तौर पर माइनस का 5/3, ऊपर एक पूर्णांक है माइनस का 5, नीचे एक पूर्णांक है 3, तो ये हो गया पूरा का पूरा, इसको क्या कहेंगे भाई, परिमेय संख्या, ठीक है। फिर बात आती है 7/17, ये भी क्या है, एक पूर्णांक, सॉरी परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, एक नंबर ऊपर होना चाहिए और एक नंबर नीचे होना चाहिए। अब मैं आपसे अगर पूछता हूँ कि बेटा बताओ माइनस का 5 या फिर 5 मान लो, ये दोनों क्या परिमेय संख्याएं हैं, तो ज़्यादातर बच्चे बोलेंगे सर नहीं है, आपने परिभाषा के हिसाब से बताया कि एक नंबर ऊपर होना चाहिए और एक नंबर नीचे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो एक ही नंबर है, कौन सा, माइनस का 5। बेटा उसके लिए यह है, मैं इसको हटा देता हूँ एक बार, जिस भी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता वहां पर अपन क्या मानते हैं, एक, तो एक है कि नहीं यहाँ पर, तो ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। मतलब अगर मैं 5 लिखता हूँ तो वो भी एक परिमेय संख्या है। कुल मिलाकर बात यह है पूर्णांक जितने भी होते हैं अपने पास, मतलब जितने भी नंबर्स होते हैं सबके नीचे 1 माना जाता है, सबके नीचे 1 माना जाता है, तो सबके सब क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती ही होती है। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि ये पूर्णांक परिमेय संख्या होती है और ये पूर्णांक होते हैं। अब आप बोलोगे सर अगर ये परिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो बेटा ऐसी बात है मैथ्स में जितनी भी संख्या होती है सारी की सारी परिमेय होती है, किनको छोड़कर, रूट वाली संख्याओं को छोड़कर, बस ये बात याद रखना आप लोग। जितनी भी संख्या अभी के लिए तो बस इतना समझ लो सारी संख्याएं ही परिमेय संख्याएं होती है, जिनमें बटे में हो चाहे पॉइंट में हो वो परिमेय संख्या होती है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं सवालों की तरफ। हाँ बच्चों, तो आपका पहला सवाल है जो उदाहरण में हमें सत्य असत्य बताना है और उनके कारण बताने हैं कि अगर सत्य है तो क्यों है, असत्य है तो क्यों है। सबसे पहला सवाल है प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, जीरो से, तो जीरो क्या प्राकृत संख्या है क्या, नहीं है, तो हम इसे किसका उत्तर लिखेंगे, असत्य। जीरो एक प्राकृत संख्या नहीं, ठीक है, जीरो एक प्राकृत संख्या नहीं है, यह असत्य है यह कथन। अगला कथन पढ़ते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। पूर्णांक का मैंने बताया था अपने गणित में जितने भी नंबर्स होते हैं वो परिमेय संख्या होते हैं कि नहीं होते, होते हैं, कैसे है? मैंने 5 मिनट पहले ही समझाया था कि सबके नीचे 1 मानते हैं अपन, तो लिखेंगे हाँ सत्य, प्रत्येक पूर्णांक
बटे क्यू के रूप में होता है, जहां क्यू बराबर कितना मानते हैं, एक। मतलब नीचे वाली संख्या हमेशा कितनी होती है, एक। जब भी मैं पी की बात करूं तो मतलब ऊपर वाली संख्या की बात कर रहा हूं, क्यू की बात करूं तो मतलब नीचे वाली संख्या की बात कर रहा हूं। लास्ट, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। इसको तो मैं सीधे सीधे बता देता हूं, असत्य है ये। 5/3 परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्णांक तो बच्चों जहां तक रही बात इन सवालों की, तो इन सवालों में आपको बस इतना है कि सत्य असत्य पहचानना है कि सत्य है तो क्यों है, असत्य है तो क्यों है। एग्जाम में इनके आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। जो आपके एग्जाम में आने वाले सवाल है वो हम आगे करेंगे, ठीक है, उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। इनको तो एक एक बार पढ़ लो, इससे तुम्हारा जो डेफिनेशन से जो परिभाषाएं हैं पूर्ण संख्याओं की, प्राकृत संख्याओं की, वो क्लियर करने के लिए दिए हैं सत्य असत्य, ठीक है। ओके, तो हम आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चों, अब आपका थोड़ा काम का सवाल आता है। ये सवाल एग्जाम में पूछा ही जाता है और ये सवाल 2 नंबर का आता है, ठीक है। हमें 2 नंबर दिए हैं, यहाँ पर लिखा है 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, 2 संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती है परिमेय, तो आपको कोई सी 5 लिखनी है, ठीक है। तो अब 5 कौन सी होंगी, कैसे लिखी जाती है, उसके लिए फिक्स मेथड है, फिक्स तरीका है। तो वो तरीका क्या है, ध्यान से देखिए। मेरे को कौन से 2 नंबर बोले हैं, 1 और 2। इसका हल करते हैं, ठीक है। 1 और 2 ये संख्याएं बोलिए मेरे से। तो सबसे पहली बात तो जो हमारी संख्याएं हैं वो पी बटा क्यू के रूप में होनी चाहिए। ये पी बटा क्यू के रूप में है क्या, ऊपर तो संख्या है, नीचे कोई संख्या नहीं है, तो नीचे जब भी कोई संख्या नहीं तो अपन क्या मानते हैं, नीचे एक। अभी 1/1 हो गया, ये हो गया 2/1। तो अब हमसे कितनी संख्याएं पूछी है यहां पर, इन दोनों के बीच 5 परिमेय संख्या पूछी है। तो इसका एक तरीका होता है, अगर हमसे 5 परिमेय संख्या पूछी है तो हम इनको 6 से गुणा कर देंगे। अगर हमसे 6 संख्या पूछी होती तो हम इसको 7 से गुणा कर देते। अगर हमसे 7 संख्या पूछी होती तो हम 8 से गुणा करते थे। तो देखिए 1/1 इंटू 6/6 तो हो जाएगा 1/6, ठीक है। अब 2/1 है, इसको भी गुणा कीजिए 6 से, ऊपर और नीचे 6 से गुणा करेंगे, 12/6। तो अब आप देखिए 1 और 12 के बीच में, सॉरी यहां पर 1 नहीं आएगा, यहां पर 6 आएगा, 6/6 और 12/6। 6 और 12 के बीच में 5 संख्या आ रही है, 7, 8, 9, 10, 11 आ रही है। तो लिख दिए, लिख दीजिए इसका उत्तर, 5 परिमेय संख्याएं हैं, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। और मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि आपके नंबर कट रहे हैं कहीं पे तो इसको काट भी दीजिए, नहीं तो आप ये भी ऐसे भी उत्तर लिख सकते हैं। 7/6 नहीं कट रहा, ये दोनों 2 से कट रहे हैं, तो 2 से 4 बार कट रहा है, ये 3 बार कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, ये किसी से नहीं कट रहा, तो ऐसे निकालते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये सवाल बहुत जरूरी है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले संख्याओं के नीचे अगर कुछ नहीं दिया हो तो 1 लगाना है, उसके बाद आपसे जितनी परिमेय संख्या पूछी गई है, जैसे 3 पूछी गई है तो आपको गुणा करना है 4 से, अगर 4 पूछी गई है तो गुणा करना है 5 से। अभी यहाँ पे 5 पूछी गई तो हमने गुणा किया 6 से। जैसे आप गुणा करेंगे तो ऊपर वाले नंबर को देखिए, उनके बीच में जितनी भी संख्या आ रही है वो लिख दीजिए, पक्का आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अगला जो सवाल आपसे पूछा गया है वो है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल, 0 परिमेय संख्या है कि नहीं। तो देखिए ऐसा है, परिमेय संख्या की परिभाषा मैंने बताई थी कि पी बटा क्यू के रूप में होना चाहिए, मतलब ऊपर एक संख्या होनी चाहिए, नीचे एक संख्या होनी चाहिए, और नीचे वाली संख्या 0 नहीं हो सकती, मतलब क्यू 0 नहीं हो सकता। तो हम देखते हैं, 0
जीरो को मैं 0/1 लिखता हूँ, तो इसका उत्तर क्या आएगा? 0 ही आएगा। कुल मिला के परिभाषा के हिसाब से चलते हैं, P/Q के रूप में आ रहा है। ऊपर वाली संख्या 0 है, मैंने क्या बोला था, नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए लेकिन ऊपर वाली हो सकती है। तो 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे अपन 0/1 भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे, हाँ, 0, 1 परिमेय संख्या है क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। उदाहरण दे दीजिए, 0/1 = 0। बस ये आपका था पहला सवाल। अब दूसरा सवाल आपसे पूछा जाता है, प्रश्न 2। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, मैं इसको थोड़ा अलग कर देता हूं। तो वही नियम है अपना, तो वही अपना हल है, अपना चलता है, ठीक है। ये सवाल तो आपका थ्योरी के लिए था, ये समझने के लिए, बस हमें से एक नई चीज पता चली कि 0 भी एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। कोई आपसे कभी भी पूछ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कहीं पे भी। यहाँ की बात करते हैं हम, ये जो सवाल जो पेपर में आते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? 3/1 और 4/1, ठीक है। अब हमें कितनी संख्या पूछी है? 6 पूछी है ना, तो हम किससे गुणा करेंगे इसको? 7 से। तो 3/1 को आप 7 से गुणा कीजिए, 4/1 को भी आप 7 से गुणा कीजिए, करिए 21/7 और 28/7। तो आप लिखेंगे फिर उत्तर, 6 परिमेय संख्याएं हैं। कौन कौन सी है भाई? 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, देख सकते हैं आप 6 संख्याएं आ गई, ठीक है। तो यही आपको तरीका अपनाना है और आपके सारे हल आ जाएंगे। आपको ध्यान क्या रखना है, अगर यहाँ पे कुछ कट रहा है तो काट देना भाई, इसको ऐसे मत छोड़ देना, तुम्हारे सर नंबर काट देंगे तुम्हारे। ओके, चलिए हम अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। ओके, तो अगला सवाल है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, नीचे 1 लगा देते, यहाँ पे नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर नीचे पहले से ही कौन सी संख्या दे रखी है तुम्हें, 5। तो लिखिए 3/5 और दूसरी संख्या क्या है, 4/5, नीचे 1 लगाने की जरूरत नहीं है। 5 संख्या ज्ञात करनी है तो गुणा करेंगे 6 से, 18/30 और यहां पर क्या हो जाएगा तुम्हारे, 24/30। भाई 5 परिमेय संख्याएं, भाई कौन कौन सी 5 परिमेय संख्याएं? 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। देख लीजिए इन दोनों संख्याओं के बीच में ये आ रहे कि नहीं आ रहे। अब बात रह जाती है इसको काटने की, काटना तो पड़ेगा। 19 और 30 नहीं कटेंगे, 19/30 नहीं कटेगा, यहाँ से 0 कट जाएगा, 2/3 आ जाएगा। ये 3 के पहाड़े में आते हैं 7 बार, ये आता है 10 बार, 2 के पहाड़े में 11 बार, 15 बार, ये नहीं कटेगा।
तो आप उत्तर चाहिए लिखें चाहिए, दोनों उत्तर सही है बेटा, कुछ गलती नहीं है। ठीक है, तो ये आपके खत्म हो गया। दो परिमेय संख्याओं के बीच में, दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं निकालना। तो ये था आपका पेपर में आने लायक क्वेश्चन। आपका आखिरी सवाल बचा है जो कि सत्य असत्य पे है, हम उसे करते हैं। उसके बाद मैं आपको एक बहुत ही विशेष बात बताना भूल गया, जो मेरे को वीडियो के स्टार्टिंग में बता देनी चाहिए थी। जो आपकी बुक्स यूज़ होंगी वो एनसीईआरटी की बुक यूज़ होगी। मैं आपको बुक एक बार दिखा देता लेकिन अभी मेरे पास है नहीं। मैं कोशिश करूँगा, मैं वीडियो के अंदर उसका लिंक किसी तरह दूँ आपको। एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाकर गणित की किताब डाउनलोड करनी है, मैथमेटिक्स ही मत करना, नहीं तो इंग्लिश मीडियम के लिए डाउनलोड हो जाएगी। आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से आपको आराम से बुक मिल जाएगी। मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो एनसीईआरटी की किसी बच्चे के पास पुरानी बुक हो या फिर किसी शॉप पे, आप तो बोल दीजिए मेरे को एनसीईआरटी की 9th की बुक चाहिए हिंदी मीडियम के लिए, वो आपको मिल जाएगी। तो आपको इस बुक की इतनी जरूरत दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप पुरानी बुक में मत पढ़िएगा क्योंकि उसमें वैदिक गणित और वो हट चुकी है बुक में। चलिए अब हम आखिरी सवाल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके आखिरी सवाल पे आ गए आज के। और होमवर्क की जहाँ तक बात है, होमवर्क या तो मैं इस वीडियो के साथ आपको जब ग्रुप में लिंक भेजा जाएगा तब भेज दूंगा, नहीं अगर होमवर्क नहीं मिलता तो आपको होमवर्क में आज जितने सवाल कराए गए हैं उदाहरण वगैरह सब कुछ फेयर कॉपी में अच्छी हैंडराइटिंग में करना है। अभी मत सोचना कि कोई और आएगा पढ़ाने या फिर स्कूल में जाएंगे तब कर लेंगे। बेटा ऐसा पूरा साल निकल जाना है और अब जुलाई आ चुका है, ठीक है, फिर तुम्हारा टाइम नहीं रहेगा, तो अब इसको ध्यान से पढ़ लो। ठीक है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या कहाँ से चालू होती है? एक से। तो एक पूर्ण संख्या है क्या? है। दो है, तीन है, चार है, पांच है, मतलब ये कथन सत्य है। सत्य प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। पूरा का पूरा आप नीचे लिख देंगे, ठीक है, यहां पर मैं नहीं लिख रहा, मेरे को आलस आ रहा है, ठीक है, ज्यादा नहीं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है। पूर्णांक क्या होते हैं? माइनस वाली और प्लस वाली संख्या सारी आती है पूर्णांक में। बच्चे पूर्णांक और पूर्ण संख्या में थोड़ा कंफ्यूज होता है, तो थोड़ा माइंड को सेट कर लेना। पूर्णांक होते हैं जो माइनस और प्लस की सारी संख्याएं होती है, ठीक है, माइनस से लेकर प्लस तक। तो माइनस की संख्या आती है पूर्णांक में, लेकिन पूर्ण संख्याओं में माइनस की संख्या नहीं आती, तो ये कथन असत्य है। असत्य नेगेटिव को बोलते हैं धनात्मक। धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते, माइनस वाले पूर्ण संख्याओं में नहीं आते, ध्यान रखना, जीरो से चालू होते हैं पूर्ण संख्याएं। आखिरी है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बेटा पूर्ण संख्या क्या होती है? जो जीरो से स्टार्ट होती है। और परिमेय संख्या क्या होती है? जो बटे वाली होती है। नहीं, सॉरी, नहीं नहीं, असत्य असत्य। कैसे असत्य? -5/3 परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं। तो बच्चों आपको आखिरी में मैं यही कहूंगा, चलो इसे समझा देता हूँ। -5/3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि बटे में, यार बटे वाली संख्या इसमें नहीं आती पूर्ण संख्याओं में। बटे में एक हो तो मान सकते हैं, लेकिन और कोई संख्या नहीं मान सकते। और ये सबसे बड़ी बात, माइनस के धनात्मक है। अब तो मैं समझाने वाली बात यह है बच्चों, आपको जब ये तैयारी करनी है पढ़ोगे तो दो संख्याओं के बीच में जो परिमेय संख्या वाला सवाल था वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर करना। ये जो थ्योरी है उसको एक बार पढ़ लेना, ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इतनी भी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना वो सवाल है, वो पेपर में आता है रिटर्न में, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अब रेगुलर हो जाओ, नहीं तो कोरोना लेके डूबे ना डूबे, पढ़ाई लेके डूब जाएगी तुम तो।